अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में बनाने वाले हैं वेजिटेबल पकोड़े। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ पर मेरे पास है चाट मसाला, यहाँ पर मेरे पास है साबुत हरा धनिया, यहाँ पर मेरे पास है नमक, तो यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, और यहाँ पर है लेमन जूस, मैंने एक लेमन लिया है, और यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, और मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए यहाँ पर। जो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर हरा धनिया जो मैंने चॉप कर लिया है, पुदीना है थोड़ा सा, और ये मेरे पास पालक है, आपने पालक थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर शिमला मिर्च ग्रीन, और यहाँ पर मेरे पास प्याज है, आलू है, और लाल वाली जो छोटी छोटी सी चिलीज़ होती हैं वो मेरे पास हैं 5, और यहाँ पर मैंने एक बड़ी वाली जो ग्रीन चिली होती है वो ली है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस बारिश के मौसम में मज़ेदार से पकौड़े तैयार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम सबसे पहले पालक जो हमने कट की हुई है वो सब डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें पुदीना ऐड करना है और फिर हरा धनिया ऐड करना है तरह से, और फिर यहाँ पर मैंने प्याज ली थी एक, तो ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा कम करके डालूंगी, इतनी मेहनत से इतनी इनफ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ग्रीन वाली शिमला मिर्च ली है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर मैंने एक पोटैटो लिया है, उसको अच्छी तरह से कट किया है। इस तरह से आपने थोड़े से छोटे रखने हैं वरना फिर वो मुंह में आएंगे बड़े बड़े से पीसीस, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर वो रेड वाली जो चिलीज होती हैं वो मैंने 5 ली हैं, कट करके इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मेरे पास है एक ग्रीन चिली बड़ी वाली, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। आपने इसको रफली कट करना है, कोई इस तरह से नहीं, बस आप रफली कट करेंगे वेजिटेबल्स को जितने भी हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, एंड लेमन जूस, चाट मसाला 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, यहाँ पर नमक है मेरे पास, ये भी हमने 1.5 डालना है, और मेरे पास यहाँ पर हल्दी है जो 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे, और नमक आपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैं ये ले लूँगी साबुत धनिया, उसको मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी इस तरह से, और फिर वो ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो ये वेजिटेबल्स का जो पानी रिलीज़ होगा वो अच्छी तरह से निकल जाए वेजिटेबल्स में से। ये देख रहे हैं, उसके बाद हम इसमें बेसन की क्वांटिटी देखेंगे कि हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बेसन बिल्कुल भी एकदम से नहीं डालना क्योंकि हमें ज़्यादा वेजिटेबल्स नज़र आने चाहिए, ज़्यादा बेसन नहीं चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले 1 कप बेसन ले लेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, पानी भी देखें बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा थोड़ा सा पानी हमने इसमें डालना है। इस तरह से ताकि ये मिक्स हो जाए, फिर और बेसन हम लेते जाएंगे एक साथ। देखें मैं एक साथ बेसन नहीं मिक्स कर रही, इसमें देखें आप ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स नज़र आ रही होंगी। अब हम इसमें 1/2 कप लेंगे
वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर हमें इसमें पानी की नीड हुई तो हम पानी लेंगे, वरना हम इसको थिक रखेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर हमें इसमें पानी डालना है बस। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम एक कढ़ाई या फिर एक पैन ले लेंगे, कुछ डीप होना चाहिए। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इसको हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब ये ऑयल गरम होगा, थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम अपने ऑयल को गरम होने देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद फिर हम पकोड़े जो मैटर हमने तैयार किया था वो हम ऐसा ऐसा एक ही करके तलते रहेंगे। सो गाइस यहाँ पर देखें, ऑयल जो है वो मेरा गर्म हो चुका है। इस तरह से आपने चेक करना है क्या आपका ऑयल गर्म हुआ नहीं हुआ, आपके हाथों में सेक आनी चाहिए। तो अब हम एक एक करके जो पकोड़े हैं, मैटर जो हमने तैयार किया था, वो हम स्पून के ज़रिए डालते जाएंगे। ये पकोड़े जो हैं ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, आपने नॉर्मल साइज के बनाने हैं। जब हम पकोड़े इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे तो हमें स्पून से नहीं इसको टच करना, क्योंकि ये टूट जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इस तरह से आप हिला लेंगे इसको, और स्पेस इसमें रखनी है आपको, वरना ये क्रिस्पी नहीं होंगे। इस तरह से इसकी फ्लेम जो है थोड़ी सी हाई करूँगी मैं, बहुत तो हो रही थी, मीडियम फ्लेम पर रखना है आपको। जब थोड़ा सा टाइम हो जाए ऑयल में इसको, तो आप इसको टच करके चेक करें कि ये जल तो नहीं रहे, फिर जलेंगे नहीं जब तक आप इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। हाई फ्लेम अगर आप एकदम से कर देंगे तो जाहिर से बात है कि जल जाएंगे। तो आप इसको फ्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। तो देख रहे हैं आपके ये पकोड़े जो है कलर इसका आने लग गया है। इसको हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें आलू भी हैं और जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी थोड़ी बहुत इस तरह की होती हैं कि उनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और आलू तो जाहिर सी बात है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फ्राई करते जाएँ और चेक भी करते रहें साइड से देख कर, पलट कर। ये देखें यहाँ पर इसका कलर आप देख रहे हैं। अब ये और पकेंगे और मज़ेदार से हो जाएंगे, मुझे तो बहुत यम्मी लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखें इसका कलर आ गया है, इसके मतलब कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट्स में निकाल लेंगे एक एक करके। तो आप इस तरह से इसको निकालते जाएं। ये देखें कलर कितना खूबसूरत सा आया है, और ये कितने यमी और क्रिस्पी से हैं बिल्कुल, ये देखें। तो अब हम और डालते हैं। और ये बारिश के मौसम में यमी से क्रिस्पी से पकोड़े जब आप बनाएंगे तो घर वाले जो हैं खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बनाएं, और इसके साथ आप चटनी रखें मज़ेदार मज़ेदार सी, जो आपके घरों में बनती है या आप खुद भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और चाय वगैरह के साथ इसको सर्व करें शाम के टाइम पर और बारिश के मौसम में, तो फिर तो बारिश का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको
प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चले अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखें, यहाँ पर हमारे वेजिटेबल्स पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं, यमी सा लुक दे रहे हैं और खुशबू जो बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है। और इसको आप सर्व करें घर में, बारिश के मौसम में बहुत मज़े के लगेंगे। चटनी आप अपने घर में जो बनती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये देखें, मैं आपको खाकर दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी क्रंची से बने हैं। बहुत यमी है, तो ज़रूर इसको आप ट्राई करें और कैसे बने वो हमें कमेंट्स में बताएं। सो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।